हरियाणा के फरीदाबाद जिले में एक युवक ने मेट्रो स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दे डाली। सीआईएसएफ को एक पत्र मिला जिसमें मेट्रो को उड़ाने की धमकी दी गई थी। धमकी भरा पत्र मिलते ही हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस अधिकारियों ने मामले की जांच की तो एक युवक को गिरफ्तार किया और जब उसका सच सामने आया तो वो भी हैरान रह गए। इस धमकी के पीछे की कहानी को जब आप सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल रामबीर नाम के इस युवक को शक था कि इसकी पत्नी का मनीष नाम युवक के साथ अफेयर चल रहा है। शक तब और भी पुख्ता हो गया जब उसने मनीष को फोन पर उसकी पत्नी से बात करते हुए सुना। बस उसके बाद आरोपी रामवीर ने एक साजिश रची। पुलिस के मुताबिक इसी के चलते पति पत्नी में जमकर झगड़ा हुआ और बाद में रामवीर ने सराय ख्वाजा मेट्रो स्टेशन को उड़ाने की धमकी भरा पत्र लिखा और उसके नीचे मनीष का मोबाइल नंबर लिख दिया। इतना ही नहीं, आरोपी ने बैंक की कैश वैन को लूटने के संबंध में भी पत्र लिखा और उसके नीचे भी मनीष का नाम लिख दिया। आरोपी ने पत्र लिखकर उसे मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियों के पास रख दिया। आरोपी ने खत में लिखा था, मेट्रो स्टेशन को बम से उड़ा दिया जाएगा। सीआईएसएफ को यह पत्र रविवार रात करीब 1 बजे मिला था। इसके बाद बदरपुर पुलिस और सीआईएसएफ ने धमकी देने वाली की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि फरीदाबाद के सभी मेट्रो स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। पुलिस ने जब मामले की जांच की तो मामले का खुलासा हुआ। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।